मोदी सरकार क्या कर रहा है? इंडियन पीपुल्स वांट दैट एवरी मैन शुड बी गारंटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, एवरी मैन शुड गेट ए स्कोप फॉर फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज साइकिक पोटेंशियलिटी, एवरी मैन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एंडोड विथ ऑल द ग्लोरीज ऑन अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया। लालू जी के अध्यक्षता में आकर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और यह सामाजिक न्याय की लड़ाई मोदी को देश दुनिया से उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा उम्मीदवार खोजने पर मामूल हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अनंत सिंह जैसा, अनंत जी की पत्नी हो या अनंत जी हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी के डेट में इनको फंसा कर इतनी तरह से बुरी से फंसाए हैं बीजेपी वाले ने, ये कहना मुश्किल है। आते थे आनंद सिंह से मिलने के लिए, पहले कुछ नहीं कहता कि भाई भाई साहब बैठो यहाँ पर, पहले खाना खा लो उसके बाद अब आपका बात सुना जाएगा, ऐसे आनंद सिंह है। यहाँ पर जितना भी काम किया सब आनंद सिंह, चापा कल सब पंचायत भवन सब चीज़ बनवाए हैं, तो उसको नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। अभी 8 साल हो गया बीजेपी को, आज सारा चीज़ काम बंद करवा दिया यहाँ पर ही। क्या कह रहे हैं चाचा? हम यही कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार जो बनी है, यह समीकरण जो है अजय बहुमत से नीलम देवी को विजय बनाने में सफल होगी। पूर्ण बहुमत से हमको लगता है ऐतिहासिक विजय होगा मोकामा की धरती पर। दलितों शोषितों पीड़ितों के उत्थान के लिए, दलितों शोषितों पीड़ितों के उत्थान के लिए अनंत सिंह हमेशा कार्यरत रहते हैं। साथ साथ उनकी पत्नी नीलम देवी जो है बड़ी कर्मठ योग महिला है, वह अनंत सिंह से कम दावी नहीं रखते हैं जनता की सेवा में, वह दिन रात एक किए हुए हैं जनता की सेवा के लिए। लोग कह रहे हैं अनंत सिंह और ललन सिंह चेहरे पर वोट नहीं मिला, दो महिलाओं के चेहरे पर वोट मिलेगी? नहीं, क्षेत्र में महागठबंधन की सामाजिक न्याय की लड़ाई है बिहार के अंदर, जिस सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस सामाजिक न्याय को लड़ाई लड़ने के लिए लालू के साथ होकर के महागठबंधन की सरकार को अजय बहुमत से भारत में नहीं पूरे भारत के लिए वह परिवर्तन की लहर दौड़ा रहे हैं। बिहार की लहर पूरे भारतवर्ष में जा रही है। लेकिन भाजपा वाले तो ये गारंटी चाचा बिहार पूरा डुबा दिए हैं, पलटू चाचा हैं। नहीं, डुबाए नहीं है, वह सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ही गए थे बीजेपी में। बिहार को दर्जा नहीं दिया गया और असंतुष्ट हो गए, बिहार को दर्जा नहीं देने से वह असंतुष्ट हो गए कि हमारी बिहार को बीजेपी गलत नीति से देखती है, चाहती है बिहार की जनता चिनिया बेदाम बेचे भूख मरे। हमारी टाल क्षेत्र की समस्या, 80% किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, तिलक दहेज की समस्या, अनेक समस्याओं को नीतीश कुमार जी ने लालू जी के अध्यक्षता में आकर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और यह सामाजिक न्याय की लड़ाई मोदी को देश दुनिया से उखाड़ कर फेंक देंगे। GST, गरीब कमजोर वर्गों के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। आप देखते होंगे कि दिल्ली की सरकार में जितने मजदूर दिल्ली में काम कर रहे थे उन पर आक्रमण हुआ, GST लगाया गया। बड़ी लौटे हुए बिहार के वासी इस बात को जानते हैं कि मोदी के आतंक से हमें छुटकारा दिलाना है इस देश को और एक महागठबंधन की सरकार का उदय करना है। और तेजस्वी जी कृष्ण के रूप में है, वह अपने कानी अंगड़ी से समूचे जनता को, गरीबी दलित शोषितों पीड़ितों को अपने कानी अंगड़ी पर, जिस तरह कृष्ण भगवान ने कानी अंगड़ी पर इंद्र के कोप को संहारा था, उसी तरह यह तेजस्वी वीर है। यह वीर इनके अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष के नौजवान साथ हैं उनके साथ पूरे, और पूरे मैं कहता हूँ कि मोकामा के धरती पर यह जबरदस्त विजय होगी, ऐतिहासिक विजय नहीं होगा तो आप कहिएगा, मुंह पर थूकिएगा। नीलम चाचा आपका? हमारा नाम देवेंद्र कुमार यादव है और मैं जदुवंशी हूँ। अच्छा, RJD के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आप। RJD के? हाँ, महागठबंधन सरकार की। अच्छा, साथ साथ हम चाहते हैं कि देश दुनिया में लोगों को 75 साल हो गया अभी तक मिनिमम गारंटी नहीं मिला लोगों को। मोदी सरकार क्या कर रहा है? इंडियन पीपुल्स वांट दैट एवरी मैन शुड बी गारंटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, एवरी मैन शुड गेट ए स्कोप फॉर फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज साइकिक पोटेंशियलिटी,
एवरी मैन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एंडोर्ड विद ऑल द ग्लोरीज ऑन अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया। क्या कह रहे थे भैया बताइए, एक मिनट। सुना में आ रहा है कि योगी जी आ रहे हैं मोकामा में, सुना में आ रहा कि योगी जी आ रहे हैं मोकामा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, जीतेगा आनंद सिंह। कितनों ना की जनता हिंदुत्व के नाम वोटिंग नहीं करेगी? नहीं नहीं, हिंदुत्व क्या, हम भी तो हिंदू हैं कि देश में खतरा है, हिंदुत्व पर खतरा मंडरा रहा है। कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा रुकिए, एक मिनट, जो मोदी जी बोल रहे हैं या हाफ पेंट जो बोल रहे हैं, आरएसएस बोला कि मतलब हिंदुत्व खतरे में, अरे भाई हम लोग 80% आबादी हैं और 20% आपको खतरा नजर आ रहा है क्या? मोदी जी आप लोग बात बोलते हैं, अरे हम लोग 80% हैं, तब हिंदुत्व कैसे खत्म आ जाएगा भाई? आप लोग विश्वास कर रहे हैं कहीं फिर से पलट के एनडीए में चले गए तो पागल हो गए लोग की? यदि वंशी का खून है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मिनिमम 2% होगा 100% में, हमें कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ कोई हिंदुत्व, कहाँ ये हैं, कहाँ ये मेरे घर पे आते हैं, कहाँ ये मेरे घर पे आते हैं। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी रहता हूँ, मणासी मेरा गांव है, मैं भी रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है यहाँ रहने में। जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान कर दो, जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान कर दो। मुस्लिम का बात कौन करता है बार बार? बीजेपी, हर मुद्दा। बिहार में लोकसभा चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान कर दो, बिहार में विधानसभा चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान कर दो, भाई ये बिहार में नहीं चलेगा, ये बिहार में नहीं चलेगा। जनता के गुमराह करने का एक साजिश है, ये सब क्या है, ये सब हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। क्या करें भैया, आप जनता बुर्बक नहीं रहा है, आप जनता बुर्बक नहीं रहा पहले जैसा कि जो बोल दिए वो सुन लिए, आप बुर्बक नहीं है। जनता होशियार हो गई, होशियार हो गया है, पढ़ लिख रही है, बहुत बहुत चिंतित हो गया है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। सर हम यही कह रहा है कि मोकामा विधानसभा जो है जी, ये आज से नहीं मानी आजादी के बाद से चल रहा है, तो ऐसा उम्मीदवार खोजने पर मामूल हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अनंत सिंह जैसा, अनंत जी की पत्नी हो या अनंत जी हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी के डेट में इनको फंसा कर इतनी तरह से बुरी से फंसाए हैं बीजेपी वाले ने, ये कहना मुश्किल है। तो क्या कहीं ना कहीं अनंत सिंह को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही थी क्या? कोई ये ख़त्म होने वाला चीज़ है, इनको ख़त्म कोई कर सकता है? उन्हें किसी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं, इनको ख़त्म कर देगा ये जनता का मसीहा। जनता इनको करीब मानता है, जनता को प्रेम देते हैं, प्रेम के सिवा अपने दिल में बसा लिए हैं। और जितने बिहार के जनता हैं मोकामा विधानसभा में, सब जानते हैं कि हम अनंत बाबू को भगवान मानते हैं। अच्छा, वो भगवान मानते हैं जनता को। अच्छा अनंत सिंह, ऐसा क्या किए हैं कि मोकामा की जनता उनको भगवान मान रही है? इसलिए मान रहे हैं कि जो एक घर में कहीं रोगी है, वो डॉक्टर का जरूरत हो या कहीं कोई चीज़ का, शादी ब्याह का हो, मरनी हरनी का हो, वे सारे अपने इच्छा से जनता उनसे मिलता, सब काम होता है, तो जनता उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपके घर में कोई ऐसा पैसा नहीं है, आपके घर में बीमारी हो गया तो आप उनके पास गए तो क्या आपको मदद किए, तो आप उनको मानिएगा कि नहीं मानिएगा? आप ही बताइए, आप प्रेस वाले हो, आप बताइए, क्या आप मानिएगा कि उनको नहीं मानिएगा? तो इसलिए वो मसीहा, मोकामा विधानसभा को मसीहा, और वे जाति पात नहीं देखे आज तक, कोई भी जात रहे हिंदुस्तान में या बिहार में या मोकामा विधानसभा में, उनको अपने बलग में बैठाते हैं, अब बैठा कर उनसे सारे बात करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद उनका काम निकल जाता है। पहले जाते थे आनंद सिंह से मिलने के लिए, पहले कुछ नहीं कहता कि भाई साहब बैठो यहाँ पर, पहले खाना खा लो, उसके बाद आपका बात सुना जाएगा, ऐसे आनंद सिंह है। यहाँ पर जितना भी काम किया सब अनंत सिंह, चापा कल सब पंचायत भवन सब चीज़ बनवाए, तो उसको नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। अभी 8 साल हो गया बीजेपी को, आज सारा चीज़ काम बंद करवा दिया यहाँ पर, एकदम से पूरा विधवा बना दिया मोकामा क्षेत्र को, मौसमात बना दिया बीजेपी वाला लोग, पूरे मौसमात। देखिए भैया बाटा फेट करिए, बाटा बंद करवा दिया, मेगडोल बंद करवा दिया, इधर अति क्या बोलता है भारत वैगन, वो सब भी बंद करवा दिया बीजेपी वाला। क्या किया अभी तो बिहार से भागा है, अभी केंद्र से भी उखाड़ के उसको फेंकेंगे।
मोकामा है बिहार चोट पे कह रहे हैं लंका के चोट पे। हाँ हाँ चाचा एक क्वेश्चन लास्ट आते, तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो हाल ही में देखे पीएमसीएच में की एनएमसीएच में गए और वहाँ देखे व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सारा उनको सस्पेंड किए। उनका काम जो है माने अभी तक जो अभी जब से पदभार संभाले हैं तब से वो औचक रात्रि में निकल जाते हैं अकेले और निरीक्षण करते हैं। पहले कोई स्वास्थ्य मंत्री ही निकलते निकलते थे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 15 साल बिहार में। मंगल पांडे रहे बीजेपी का नेता, वो आज तक कभी देखे जाके अपने विभाग में क्या देखे? कुछ नहीं देखे। क्या करते भैया? 15 साल बीजेपी के पास स्वास्थ्य मंत्री रहे, आज तक कभी उन्होंने निरीक्षण नहीं किया क्या डॉक्टर है, क्या पेशेंट है, क्या दवाई है, क्या सुविधा हॉस्पिटल में है सर। चलिए मुकामा की जनता ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार लालटेन जलेगा और लालटेन की रोशनी में कमल दिखेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बन गया है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है मोकामा में और सभी जनता में बहुत ही खुशी की लहर देखी जा रही है। चलिए आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।